जब से जीएसटी का नाम सामने आया है तब से एक मुसीबत सी आ गई है। हालांकि इसके समाधान और निराकरण के लिए सरकार लगातार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में फ्लेवर रेस्टोरेंट में जीएसटी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याएं रखी गईं, जहां जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया कि जीएसटी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बात हो तो उसके लिए जीएसटी विभाग सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। व्यापारियों ने भी पूरे सेमिनार को सही से समझा, जिससे उनकी समस्याओं का हल हो सके। प्रॉब्लम हो रही थी कि वो जीएसटी ले नहीं रहा था, वो भी पावर ऑफ असेसिंग अफसर के लॉगिन पर आ गई है। आप उसको अप्लाई करेंगे और इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो इमीडिएट हाथों हाथ वो हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ईवे बिल हम लोगों की कॉम्पैक्स की साइट पर अवेलेबल है, तो इस तरीके की जो ईवे बिल 1 और 2 के रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम है उनको असेसिंग अफसर के लेवल के लॉगिन पर ही लाकर सर्व करा रहे हैं और वो हो जा रहा है। जीएसटीन वाली बड़ी प्रॉब्लम थी, नए रजिस्ट्रेशन को जीएसटीन वो नहीं ले रहा था। एक क्लेरिफिकेशन और करना चाहेंगे कि वो जो ईवे बिल 1 लागू हुआ था पहले 22 जुलाई को, फिर 18 अगस्त से जो 50,000 तक वो हुआ था, उसका अमेंडमेंट 6 दिसंबर को हुआ था। ये सर्कुलर हमारे पास अभी अवेलेबल है, नोटिफिकेशन भी। अब इसमें इतनी जानकारी देते हैं कि जो पहले 4 वस्तुओं के लिए था उसको एक्सटेंड किया है 20 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जीएसटी पखवाड़ा चल रहा है। इसमें तमाम प्रकार के जीएसटी काउंसिल द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनसे व्यापारियों को अवगत कराना है रेट ड्राफ्ट टैक्स वगैरह के संबंध में, और उनको अधिक से अधिक पंजीयन कराए जाने के संबंध में बताना है और उनके संबंध में, और भी जीएसटी के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं उनसे व्यापारियों को बचाव साल करने के लिए हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था की गई, उसको बताया जा रहा है कि आप इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं या सेवानिवृत्त हैं, इस प्रकार के लोगों को जो है इसको जीएसटी से जोड़ने के लिए जिससे व्यापारियों की समस्याओं और GSTR भी और संबंधित है, उसका निराकरण काफी हो चुका है। धीरे धीरे उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत संगतियाँ रह गई उनको जाने के बाद समस्या सामने आ रही है, उनका समाधान अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको जीएसटी को भेज दिया जाता है, वहाँ से उस समस्या का निदान होता है जो यहाँ लोकल स्तर पर नहीं हो पाता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।